हाय एवरीवन, नमस्ते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, डेफिनेटली यूट्यूब पे आई थिंक उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा। मैंने डाला था, मैं अपडेट किया था कि मेरे पापा का ऐसा ऐसा हो गया है। तो इतने सारे प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स एंड विशेज देने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जान करके कि आपके फैमिली के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें सोचते हैं। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको मैंने अपडेट दे दिया था जिस दिन मैं निकली थी उसी दिन कि क्या हुआ, बेसिकली हुआ क्या। मैंने आई थिंक अपना एक ब्लॉग रिकॉर्ड भी किया था, सब कुछ वो मैं डालूंगी इसके बाद एडिट करके जब मैं थोड़ा नॉर्मल पेस पे आ जाऊंगी। सो हुआ ये था कि मेरे पास एक मेल आया था, सेफोरा डीबी मॉल में लॉन्च हो रहा था यहाँ भोपाल में, और मैं बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे उस इवेंट में बुलाया गया था। ऑब्वियसली सेफोरा एज अ ब्रांड, जब मतलब एक अलग ही स्टोरी है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस इवेंट के लिए कि मुझे इतने बड़े ब्रांड से जिसके लिए मैं मरती थी जिनके प्रोडक्ट्स लेने के लिए आज उनने लॉन्च इवेंट में मुझे बुलाया है। तो मैं इस उस सेंस में बहुत एक्साइटेड थी। मैंने अपने पापा को कॉल करके बताया मैं आ रही हूँ, टिकट्स विकेट सब कुछ हो गए, मैं अकेली जा रही थी भोपाल। और द मोमेंट हमारी टिकट्स बुक हुई है और उसके नेक्स्ट डे मतलब हम आराम से घर पे बात बात करके बहुत एक्साइटमेंट में मैं सोई और सुबह उठी, तब तक क्या हुआ था कि मुझे बहुत लेट बताया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। फ्राइडे को निकलने वाली थी, फ्राइडे की मेरी टिकट थी, थर्सडे को ये इंसिडेंट्स हो गया। तो हुआ ये, मेरे पापा डेली वॉक करने के लिए जाते हैं मॉर्निंग में, सो मॉर्निंग में वॉक करने के लिए वो गए। हमारा जो पीछे मंदिर है वो थोड़ा सा ऐसे ऊंचाई पर है, पहाड़ वगैरह पहाड़ी एरिया है, थोड़ा हिली एरिया है, वहाँ पर है फूल का एक पेड़ लगा हुआ है। अब आप सोचो मेरे घर में कितने फ्लावर, मैं आपको यहाँ पर एक वो बताऊंगी कि होनी को कोई कैसे नहीं डाल सकता है। मेरे यहाँ कम से कम 100 से भी ज़्यादा फूल लगे हुए हैं घर के अंदर। मुझे भी नहीं पता उस दिन, पापा को भी नहीं पता क्या हुआ, मम्मी ने कभी आज तक उनसे ये नहीं बोला कि बाहर से जाकर के फूल तोड़ के लाओ। अपने मन से ही उनको वहाँ पर एक पेड़ दिखा, उन्होंने वो फूल तोड़ने के लिए वहाँ गए और जैसे ही वो फूल जहाँ पर वो पेड़ लगा हुआ था ना उसके नीचे ऐसा स्लांट था, थोड़ा खाई टाइप की जगह थी 10 से 15 फीट नीचे और पत्थर ही पत्थर चट्टान वगैरह थे। तो उन्होंने फूल तोड़ा एंड जैसे ही वो टर्न होते से उनका पैर स्लिप हुआ और वो सीधे नीचे गिरे। पहले वो स्लिप हुए एंड देन फिर वो गुलांटी खाए हैं। मम्मी के पहचान की दो तीन आंटियां हैं, उन्होंने देख लिया तुरंत, नहीं तो वो इतना आइसोलेटेड एरिया है। और जैसे ही देखा, क्योंकि पापा ना मोबाइल लेके गए थे और वो उठ नहीं पा रहे थे, आंटी लोगों ने जैसे ही देखा उन्होंने अपने मतलब जब तक मम्मी को पता चला 15 मिनट्स के अंदर अंदर वहां गाड़ी पहुंच चुकी थी और पापा को गाड़ी में लेटा दिया गया था। तुरंत हॉस्पिटल लेकर के गए हैं, फ्रैक्चर हॉस्पिटल लेकर गए, उनका एक्सरे हुआ, पता चल गया कि उनका जो स्पाइन है उसमें हल्का सा ब्रेक हुआ है और उसकी वजह से एक नस दब रही थी जिसके कारण उनका जो लोअर बैक का पूरा एरिया है वो कुछ भी मोशन नहीं हो रहा था। वहां पर उनको कुछ फील सेंसेस नहीं, ना वो चल पा रहे थे, बैठ पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने MRI वगैरह करी एग्जैक्टली पता करने के लिए कि क्या होगा। जब MRI हुई उसके थोड़ी देर पहले शायद मुझे विक्की को पता चल गया था ये सब हो रहा है 7 बजे से। मुझे बहुत लेट जूस वूस पीने के बाद मुझे विक्की ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया और उसने भी मुझे ये नहीं बताया, उसने सिर्फ ये बोला कि पापा का फ्रैक्चर हुआ है तो उनको लेके गए हैं एक्सरे करवाने के लिए और ऐसा ऐसा ऐसे बस नॉर्मल इतना सब हो गया। मुझे तो पता ही नहीं है कि और उसके बाद मैं थोड़ा पैनिक तो ऑब्वियसली हुई, मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने भी मुझे बहुत कामली ये सारी चीज़ें बताई। मतलब ऑब्वियसली 30 साल से आप अपनी माँ को नहीं जानते होंगे क्या कि आपकी मम्मी किस तरह से रिएक्ट कर रही होंगी, तो मैं थोड़ी शॉक तो हो रही थी कि ये मतलब मेरी मम्मी बहुत जल्दी घबरा जाने वालों में से है, रो देती हैं वो बहुत जल्दी, तो और वही मेरे अंदर भी हैं चीज़ें, बट मेरे अंदर थोड़ा मैं संभल जाती हूँ जल्दी, मम्मी थोड़ा जल्दी हो जाती हैं, रो देती हैं जल्दी। तो मैं थोड़ा टेंशन में तो आ गई थी, मैंने बोला हम लोगों ने सारे जुगाड़ लगा लिए कि हम टिकट अभी करते हैं एक दिन पहले का, एक दिन बाद तो मैं मॉर्निंग में पहुँच ही रही थी भोपाल, एक घंटे का रास्ता होता है बाय फ्लाइट। तो हम लोगों ने सोचा अगर हम कार से भी निकलते हैं तो 12 से 13 घंटे लगेंगे और रात हो जाएगी, मतलब 12-1 बज जाएगा पहुंचने में, क्योंकि मुझे 11-12 बजे पता चला था। मैं ट्रेन से भी निकलती हूँ, ट्रेन भी उस टाइम 3 बजे की थी तो भी मैं नेक्स्ट डे पहुंचूंगी, मैं बस से भी निकलूंगी तो भी मैं नेक्स्ट डे पहुंचूंगी, और अगर मैं सुबह तो मैं पहुंच ही रही हूँ फ्लाइट से भी जा रही हूँ तो हम लोगों ने विक्की ने मेरे को समझाया थोड़ा कि काम डाउन, सब है वहाँ पर कैसी कैसी हेल्प, मतलब जिनका आप सोच भी नहीं सकते थे उस तरीके की हेल्प भगवान की कृपा से बोलो या जिसकी भी कृपा से बोलो वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। और तुरंत डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था कि ऑपरेशन होना ज़रूरी है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मम्मी ने फिर मेरे को भी वो सारी चीज़ें समझाई तो मैंने बोला आप ऑपरेशन करवाओ, मैं कल पहुँच जाऊँगी। ऑपरेशन क्योंकि बहुत मेजर ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने बोल दिया था आपके जितने भी ब्लड रिलेशन वाले हैं उनको बुला लीजिए और उनने जो भी सिनेरियोज होते हैं जो बताए वो जो साइन करवाते हैं ना पेपर में, तो मतलब बाद में जब मुझे पता चला कि मम्मी को सुनते से वो पढ़ते से चक्कर वक्कर आ गए थे और बहुत रो रही थी वो, तो
मुझे उस टाइम बस ये बुरा लग रहा था कि इतने ऐसे मोमेंट पे मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी मम्मी के पास, बट ठीक है. नेक्स्ट डे मैं पहुँच गई थी तुरंत ही. ऑपरेशन के टाइम पे भी बहुत सारे मेरे कजिन्स, मेरे पापा के जो ऑफिस के उनके फ्रेंड्स हैं, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो मतलब टोटल 25 से 30 लोग ऑपरेशन जब तक चला है वहाँ पर नीचे प्रेजेंट थे. मतलब ये सुन करके भी मेरे को बहुत, मुझे पता चल गया था कौन कौन वहाँ पर पहुँच गया है, तो मेरे को एक थोड़ा रिलीफ था कि सब लोग हैं वहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं. जब हमको पता चला 7 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, 10:30-11 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ है, जब फोन आ गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, मैंने अपनी मम्मी से बात कर ली, तब जान में जान आई. और बस मैं ये सोच रही थी कि कल जल्दी से निकल के पापा से मिल लूँ मैं. विक्की ने मुझे बहुत समझा करके भेजा था कि बिल्कुल भी वीक नहीं पड़ना है पापा के सामने या मम्मी के सामने, उन लोगों को उनके उनका सपोर्ट और उनकी शक्ति बन के जाना है, ना कि उनको और वीक कर देना है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है यार बच्चे को देख करके और थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं. बट मैं बिल्कुल सोच के गई थी कि मैं बिल्कुल स्ट्रांग होके जाऊंगी, सब रो रा के जो भी करना था वो मैंने कर लिया था मुंबई में. बट द मोमेंट आई एंटर इन द हॉस्पिटल मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट नेगेटिव क्या आया कि आज से 10 महीने पहले मैं मम्मी के लिए यहाँ आई थी और अभी मैं अपने पापा के लिए आई हूँ और जा कहाँ रही हूँ, अंदर ICU में. तो मतलब अपने पेरेंट्स को ICU में देखना एक अपने में ही बहुत पेनफुल चीज़ है. तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में घुसी तो मेरे को कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैं एकदम धड़ रोने लग गई. मैंने अपने आप को काम डाउन किया, मेरी मौसी बुआ और ये लोग सब प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला जाके पापा से मिल के आओ. मैंने बोला मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है मिल के आने की, बट मैं मिल के आई तो पापा बहुत खुश हुए मुझे देख करके. बड़ी बढ़िया स्माइल कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था. और मैं फिर मुझे भी ये लगा कि यार जो इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ हो गई है वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है हमारे सामने, तो अब हमको वीक नहीं पड़ना है. तो आई उस दिन, तो देखो 2-3 दिन तो बहुत इमोशनल ट्रॉमा में थी मैं भी, तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था. पापा को देख रही थी रोना आ रहा था, मम्मी को देख रही थी तो रोना आ रहा था, बस यही हो रहा था 2-3 दिन तक. सामने नहीं एक्सप्रेस कर रही थी बट आ रहा था. हो गया. एंड उसके नेक्स्ट डे मेरा सिफोरा का इवेंट था, तो पापा ने मुझे समझाया कि सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये था तुम कितने बजे वहाँ जाने वाली हो. मैंने बोला मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं, मेरा मन नहीं है जाने का. और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मुझे पता चल गया था तो मैंने कपड़े अपने नॉर्मल टी शर्ट लोअर ही रखे, कुछ और रखा भी नहीं जो मुझे समझ में आया सामने वो रखा. तो मैंने बोला मैं नहीं जा रही हूँ. पापा ने फिर मुझे समझाया कि अब तुम आ गई हो, अभी तुम वैसे भी यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो, नहीं वहाँ जाओ. तो मैंने मम्मी को आगे बुलाया, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, मेरे को मत पीछे से पुश करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ऐसे करके. तो मम्मी बोलती चलो ठीक है तुम्हारा मन नहीं है तो मत जाओ. मेरे पापा के ऑफिस के कम से कम बहुत लोग डेली मिलने के लिए आ रहे थे, तो जितने भी लोग मिलने के लिए आए पापा उन सबको यही बात बोल रहे थे, बाहर रुचि बैठी हुई है उसको समझाओ, उसका एक इवेंट है वो नहीं जा रही है. तो जितने लोग अंदर से बाहर आ रहे थे वो मुझे यही समझा रहे थे, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम अपने पापा के लिए जाओ वहाँ पर, उनको अच्छा लगेगा, उनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा कि तुम ऐसे बैठी हुई हो उनकी वजह से और ये और वो. तो बस जो कपड़े यहाँ पे रखे हुए थे वो पहने मैंने और मैं सिफोरा के इवेंट में गई. आधा एक घंटा मैंने वहाँ अटेंड किया और फिर मैं वापस आ गई. तो अब सिचुएशन, अब मैं आपको अपडेट देती हूँ कि एक्चुअली अभी सिचुएशन क्या है. तो अब जो उनके मूवमेंट्स नहीं थे लोअर बॉडी में, थोड़े थोड़े उनके मूवमेंट्स आने लगे हैं. डेफिनेटली उनको इतना बड़ा वो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पर जो नस है वो थोड़ी सी दब रही थी उनकी, वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो बनते बनते टाइम थोड़ा लगेगा. डेफिनेटली वो आ जाएंगे, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ में होने में. अभी इतनी बड़ी चीज़ हुई है और तो अभी उसको अपन वो कैसे कर सकते. तो शुरू में ना हम लोग बिल्कुल इस थॉट पे थे कि इतनी अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी, अचानक से क्या हो गया, ये हो गया. आते हैं यार, देखो आप कितना भी पॉजिटिव बन जाओ, जब आपकी फैमिली पे चीज़ें आती है ना तो आप बहुत तरीके की मल्टीपल चीज़ें आपके दिमाग में आती है. तो मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई गई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. शायद किसी को इस चीज़ की नीड हो तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि जब से वो बात मैंने सुनी है ना तब से मेरा जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स ये सब चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव हो गया. कि दो लड़के थे, दो आदमी थे, और एक जो आदमी था वो बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत अच्छे कर्म करता था, सब कुछ बहुत अच्छा करता था. वो जा रहा था रोड पे और उसको कील चुभ गई और खून निकलने लगा. और जो दूसरा आदमी था उसने एक पत्थर को टक्कर लगा और उसके पास पैसों का, उसको पैसों का एक बटुआ मिल गया बड़ा सा. तो वो बड़ा दुखी हो गया कि भाई मैं, उसने भगवान से जाके क्वेश्चन किया कि मैं तो आपकी इतनी पूजा आराधना और ये सारी चीज़ें करता हूँ, आपने मेरे को ऐसा कष्ट दे दिया है और ये तो आपका कुछ भी नहीं करता है, ऐसे ऐसे चीज़ें करता है और इसको आपने पैसों का भरा हुआ वो दे दिया. तो भगवान ने उसको एक बहुत अच्छी चीज़ बोली. भगवान ने बोला कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ आज क्या होने वाला था, बहुत बड़ी घटना तुम्हारे साथ होने वाली थी, क्योंकि तुम अच्छे कर्म करते हो और तुम्हारे, तुम पूजा पाठ करते हो और अच्छे इंसान हो, इसलिए वो चीज़ तुम्हें छोटी होके मिली, मिली ज़रूर पर छोटी होके मिली है. और वो जो बंदा था उसको बहुत, आज वो मिलियनर बनने वाला था, उसके पास धन की वर्षा होने वाली थी, क्योंकि वो ऐसे कर्म करता था, तो उसको मिला लेकिन वो छोटा रूप में मिला.
तो इससे ये हम लोगों ने एक लेसन सीखा कि हो सकता है पापा को ये होना ही था, ऐसी कुछ चीज़ होनी थी। ये एक बहुत बड़ा, जिन्होंने जब मैंने वो जगह देखी थी जाकर के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि बस छोटा सा स्पाइन में ही तो फ्रैक्चर हुआ है ना, वो ठीक हो जाएंगे। उनकी आंखें ठीक हैं, उनके सर पे चोट नहीं लगी, कहीं और बॉडी में चोट नहीं लगी, जिसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं भगवान का। शंकर जी के सामने ये चीज़ हुई है, मेरी मम्मी शंकर जी की बहुत पूजा पाठ करती है, बहुत ज़्यादा नियमित रूप में उनका जल चढ़ाना और शंकर जी की ये करना वो करना, बहुत टाइम जब से मतलब उन्हें कॉलेज छोड़ा है तब से वो बहुत ज़्यादा लीन हो गई थी शंकर जी की भक्ति में। एंड लिटरली ये जो इंसिडेंस हुआ, ये शंकर जी की जिस मंदिर में वो जाती हैं जल चढ़ाने के लिए उसके जस्ट सामने हुआ है, 4 मीटर की डिस्टेंस पे हुआ है। अब हम यही सोच के एक पॉजिटिव नोट पे चल रहे हैं कि जो हुआ कुछ बहुत बुरा होने वाला था जो कि बहुत छोटे रूप में हमको मिला है, जिसके लिए हम अभी भी शुक्रगुजार हैं, हम थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। और हाँ, अब नेक्स्ट एक और अपडेट ये हुआ है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे वहाँ पे, और पापा का अभी कंडीशन इस तरीके का है, मम्मी और मैं मैनेज करने वाले हैं, तो पापा की जो कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि उनको बार बार हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो अभी बैठ भी नहीं सकते हैं, बैठने की सिचुएशन में भी नहीं है, तो चलना तो बहुत दूर की बात है, तो हमको ग्राउंड फ्लोर पे घर चाहिए था। तो टेंशन में आई मैं कि मैं क्या करूँगी, कैसे अब मैनेज करूँगी, क्योंकि हमारा जो खुद का घर है वो भी सेकेंड फ्लोर पे है, दो वहाँ पर लिफ्ट वगैरह सब कुछ है, बट वो जो एरिया है अभी वहाँ पर हम किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, वहाँ अचानक से ऐसी सिचुएशन में शिफ्ट करना भी सही नहीं होगा। फिर ऑब्वियसली ये वाला जो घर है ये मेरे इन-लॉज का घर है, ऊपर वो लोग रहते हैं और नीचे रेंट पे 4-5 लड़कों को देने ही वाले, मतलब वो आने ही वाले थे रहने के लिए, एंड उसके पहले ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पर हम लोग मूव हो गए हैं। जस्ट 3 दिन पहले ही मैंने मूव किया है। मेरी पापा तो हॉस्पिटल में ही थे, उनको हमने परेशान भी नहीं किया, मैंने, विक्की ने और मेरा कज़िन आ गया था, हम तीनों ने पूरा यहाँ पे मूव करवा दिया है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पूरा सामान आ चुका है, अब हम यहाँ से डायरेक्टली अपने खुद के घर में ही जाएंगे। बस ये प्रे कर रहे हैं जल्दी से मेरे मम्मी पापा एकदम ठीक हो जाएं, तो अच्छे से पूजा पाठ करके फिर अब हम नए घर में जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा को गवर्नमेंट क्वार्टर में भी आई थिंक 20-22 साल हो गए हैं, 2 साल और बचे थे सिर्फ वहाँ पे। पूरे इंसिडेंस में बहुत सारी नेगेटिव चीजें ढूंढ के रो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो ना देख करके, वो कहते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अभी बस मैं मम्मी को भी यही समझाती हूँ कि मम्मी काउंट योर ब्लेसिंग्स, बस यही मुझे अपडेट करना था। एंड थैंक यू सो मच जो लोग भी प्रे कर रहे हैं। अभी काम पे वापस आने के लिए अभी मुझे नहीं पता, अभी मेरे पापा, मैं चाह रही हूँ कि वो घर पे आ जाए, अभी तक वो डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, उनके जो स्टिचेस हैं वो कट होंगे 2-3 दिन बाद, अभी भी वो हॉस्पिटल में है, तो अभी क्या हो रहा है ना, हॉस्पिटल भागा दौड़ी इस सब में, तो मैं भी ऑब्वियसली कॉन्टेंट क्रिएशन को थोड़ा अपार्ट कर दिया हूँ। विक्की भी यहीं पर है, बट उसको भी काम रहता है, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, बट अब वही है कि मैं, जब मेरे को है इस चीज़ की फ्रीडम कि मैं अपने डेज चूज कर सकती हूँ कि मुझे कब काम करना है कब काम नहीं करना है, तो मैं करती हूँ। विक्की को मैंने बोला आप अपना काम करते रहो, जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होगी, लगेगा नीड है, तो आपको बुला लिया करेंगे। तो अभी वो जाएगा 2-3 दिन के लिए मुंबई, बट मैं तो अभी यही हूँ, उन लोग, मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। तो यस, यही मुझे आप लोगों को अपडेट करना था, और बस आप लोग प्रे करते रहिएगा कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए, चलने फिरने लग जाए। मेरे पापा भी काफ़ी पॉजिटिव उसमें हम लोग ले रहे हैं इस चीज़ को, कि ठीक है लाइफ है, हमेशा स्मूथ नहीं चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है, कोई चीज़ हुई है थोड़ा टाइम लेगी बट ठीक हो जाएगी। एंड जिन लोगों ने भी मेरे को बहुत सारा मेंटल सपोर्ट दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों से उस बीच में, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त, उन लोगों से बात करी है हिम्मत लेने के लिए, यू नो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो अपने लोगों से बात करिए, और बहुत अच्छा लगता है बात करके भी। तो सभी लोगों को यार, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है थैंक यू करने के। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कि अपडेट मुझे आप लोगों को देना था वीडियो में, तो जो व्लॉग्स बना चुकी हूँ वो अभी एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिला है, जैसे ही एडिट करने का टाइम मिलेगा मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि मेरे पापा ही मेरे से इतनी बार पूछ चुके तुम वो वीडियो कब डालोगे, तुम, उनको भी अच्छा लगता है मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ, देखेंगे वो तो उनको अच्छा लगेगा, तो मैं डालूंगी जल्दी ही। को हॉस्पिटल निकलना है तो मैं निकलती हूँ, और आप लोगों से जल्दी ही मिलती हूँ।